हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं आज लेकर आई हूँ क्रोशे का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन। और इसे बनाना है बहुत आसान। तो देखिए इस तरह से देखिए, ये मैंने सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी। जितना बड़ा मुझे डिज़ाइन चाहिए होगा, मैं ये छोटा सा सैंपल दिखा रही हूँ आपको बनाकर। तो मैं जितना बड़ा सैंपल बनाकर दिखाऊंगी, उतना बड़ा ये डिज़ाइन बना लूंगी सिंगल फंदे की चेन का, इस तरह से। और पूरी देखिए इस तरह से मैंने सिंगल चेन बनाने के बाद दो चेन छोड़कर तीसरी चेन पे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी एक ही बार में। ये डबल क्रोशिया मैं गिनकर 5 बार बनाऊंगी। दो हो गए हमारे, 3 और बनाऊंगी इसी तरह हर सिंगल चेन से। पांच बार डबल क्रोशिया देखिए बनाने के बाद मैं इस तरह से 3 नीचे चेन छोड़ दूंगी ये। और देखिए ये तीसरी चेन पे मैं इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूंगी 2 चेन बीच में छोड़कर। और फिर मैं 5 बार हर चेन से इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी। गिनकर 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं देखिए, ये मैंने 5 डबल क्रोशिया बना ली हैं। अब मैं सिंगल फंदे को 3 बार इस तरह से बुनूंगी, यानी 3 बार चेन बनाने के बाद उसी जगह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी जहाँ से मैं पहले एक बार बना चुकी हूँ। और फिर आगे से 4 और उसी तरह से हर चेन से डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊँगी, जैसे पीछे की चेन से बनाती चली आई हूँ मैं। और गिनकर पूरे 5 देखिए। और फिर उसी तरह से 2 चेन छोड़कर तीसरे चेन से मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी जैसा मैंने पीछे बनाया है। उसके बाद हर चेन से डबल क्रोशिया इस तरह से पूरी चेन पर इसी तरह डिज़ाइन बना लूँगी मैं। तो देखिए इस तरह से दिख रहा है हमारा डिज़ाइन। और ऊपर देखिए, बनाने के बाद मैं सिंगल फंदे से बुनने के बाद आगे देखिए हर डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊँगी। एक लास्ट में हमारी सिंगल फंदे की एक बार चेन थी। और आगे हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। और देखिए जो बीच में हमारा, जहाँ से हमने 2 चेन छोड़ी थी, वहाँ से देखिए एक छोड़ कर ये पास का आगे के डबल क्रोशिया से हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद इसी तरह से हम और 3 डबल क्रोशिया यानी 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से गिनकर हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक हमने कम कर दिया था। और 4 बनाने के बाद पांचवा हम इस सिंगल फंदे की जो चेन बनाई थी 3 बार वहाँ से बनाएंगे। और फिर 3 बार सिंगल फंदे की चेन और एक बार फिर उसी तरह से पहले की तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। और इसी तरह से हम आगे डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे गिनकर 5 बार। हर डबल क्रोशिया के ऊपर से बीच में जो हम एक जगह से 2 डबल क्रोशिया बनाते हैं वो हमारी बढ़ती चली जाएंगी।
और देखिए भी नीचे की तरफ जो हम डिज़ाइन बनाते हैं वहाँ पे हम देखिए ये एक बीच का छोड़कर देखिए इस तरह से गिनकर पांच और बीच का एक छोड़कर आगे के डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से और बनाते चले जाएंगे। उसी तरह से गिनकर चार डबल क्रोशिया और पांचवा हमारा जो चेन है वहाँ से बनेगा, एक इधर का एक उधर का और बीच में सिंगल फंदे की चेन, इस तरह से डबल क्रोशिया और फिर तीन बार सिंगल फंदे की चेन इस तरह से और फिर दोबारा उसी जगह से डबल क्रोशिया, आगे उसी तरह से बनाते चले जाएंगे। देखिए आगे की जो देखिए इस तरह से हमारा देखने में लगेगा कुछ डिज़ाइन, तो देखिए पूरा मैंने बना लिया है। और इसी तरह से मैं तीसरा डिज़ाइन भी इसके ऊपर बना लूँगी जैसा हमने दूसरा बनाया है, सेम उसी तरह से कि सिंगल फंदे की एक बार लास्ट में चेन और आगे से डबल क्रोशिया इस तरह से गिनकर चार बार डबल क्रोशिया और देखिए चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद बीच में देखिए ये जो है सिंगल फंदा इसे एक छोड़कर दूसरे से इस तरह से डबल क्रोशिया और फिर यहाँ से हम एक बन गया है हमारा डबल क्रोशिया, तीन और बना लेंगे यानी कि चार बनाएंगे और पांचवा हम बनाएंगे जो हमारा बीच का चेन है उस जगह से इस तरह से यहाँ से और फिर सिंगल फंदे की तीन बार चेन, फिर इसी जगह से एक और डबल क्रोशिया जिससे हम गिनकर बनाएंगे अपने सारे डबल क्रोशियाज, तो हमारा डिज़ाइन छोटा या बड़ा नहीं होगा और आगे के हम इसी तरह से बनाते चले जाएंगे। आगे के डबल क्रोशिया से गिनकर डबल क्रोशिया चार डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में जो हमारा बड़ा हुआ है एक डबल क्रोशिया वो देखिए नीचे की तरफ डिज़ाइन है यहाँ पर, ये देखिए उसको हम पहले की तरह बुन देंगे एक डबल क्रोशिया को छोड़कर दूसरे डबल क्रोशिया से इस तरह और बनाते चले जाएंगे आगे के और भी डबल क्रोशिया। इसी तरह से मैं तीन बार फिर चेन बनाऊंगी और फिर उसी तरह से वहीं से डबल क्रोशिया और आगे के डबल क्रोशिया से, देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन आ रहा है ये पूरा। और फिर उसके बाद मैं लास्ट में बनाने के बाद देखिए इसके ऊपर जो हम बनाएंगे डिज़ाइन उसके लिए हम अपना डिज़ाइन चेंज कर देंगे। उसके लिए देखिए हम गिनकर पांच बार इस तरह से सिंगल फंदे की चेन बना लेंगे, उसके बाद हम पांच बार धागे को क्रोशिए पर लपेट लेंगे इस तरह से और जो आगे के डबल क्रोशिया हैं वहां से इस तरह से हम डबल क्रोशिया निकालेंगे और दो दो फंदे करके बुनते चले जाएंगे। हम पांच बार में दो दो फंदे करके बुन देंगे और उसी तरह से फिर डबल क्रोशिया पांच बार धागे को लपेटेंगे इस तरह से और आगे के डबल क्रोशिया से इस तरह से
बनाएंगे हम। और इसी तरह से तीन बार बना लेंगे ये डिज़ाइन, क्योंकि चौथा हमारा जो है वो किनारे की चेन में गिना जाएगा, यानी चार बन जाएंगे हमारे। इस तरह से। और देखिए, हम बीच में पहले एक डबल क्रोशिया छोड़ते थे, लेकिन अब हम जब ये डिज़ाइन बनाएंगे तब हम दो डबल क्रोशिया छोड़ेंगे बीच में, और आगे के डबल क्रोशिया से इस तरह से एक दो छोड़ने के बाद तीसरे डबल क्रोशिया से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो कि हम तीन के ऊपर इस तरह से, जैसे देखिए, तो हम दो छोड़कर तीसरे डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। इसी तरह से पांच बार दो दो फंदे करके बुनते हुए, और एक हमने बना लिया है, दो हम और बनाएंगे। हम तीन डबल क्रोशिया के ऊपर से इस तरह से बनाएंगे, दो हमने बीच में छोड़ दिए थे। हर बार में हम एक छोड़ते थे, लेकिन इस बार हमने ये डिज़ाइन बनाते हुए बीच में दो डबल क्रोशिया छोड़े थे, क्योंकि जो बीच की चेन है वहाँ से हम चार डबल क्रोशिया इस तरह से पांच बार धागा लपेट कर बनाएंगे, गिनकर इस जगह से हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे दो दो फंदे करके बुनते हुए। गिनकर चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे हम, जैसे हमने इस तरफ तीन डबल क्रोशिया बनाए हैं नीचे के तीन डबल क्रोशिया से, उसी तरह से हम पांच बार धागा क्रोशिए पे लपेट कर आगे के डबल क्रोशिया से उसी तरह का डिज़ाइन बनाते चले जाएंगे तीन बार, जिस तरह से हमने पीछे की तरफ बनाया है। तो देखिए, हमने तीन बार डिज़ाइन बना लिया है, और जैसा हमने बीच में दो डबल क्रोशिया नीचे के छोड़कर आगे के तीसरे डबल क्रोशिया पर बनाया था ये डिज़ाइन, उसी तरह से हम यहाँ पर भी दो डबल क्रोशिया छोड़कर तीसरे डबल क्रोशिया से इस तरह बना लेंगे डिज़ाइन, जिससे हमारे तीन डबल क्रोशिया हैं उनमें से तीन डबल क्रोशिए का डिज़ाइन गिनकर इस तरह से।
पहले की तरह हम यहाँ पर भी तीन नीचे की डबल क्रोशिया से ऊपर हम पांच बार क्रोशिया पर धागा लपेट कर इसी तरह से हर डबल क्रोशिया से डिज़ाइन बनाते चले जाएंगे। और जो हमारे बीच के सिंगल फंदे की चेन है तीन बार बुनी हुई, वहाँ से पहले की तरह चार बार ये डिज़ाइन पहले की तरह ही बना लेंगे। देखिए इस तरह से, क्योंकि चार ये तीन और तीन छः, चार दस हो जाएंगे। जैसे हम पांच डिज़ाइन बनाते चले आ रहे हैं हर बार में, तो हमारा ऊपर के लिए डिज़ाइन सेम रहेगा, जिससे छोटा बड़ा ना हो डिज़ाइन। जैसा हमने ये बनाया है चार बार इस तरह से, उसी तरह से हम यहाँ पर भी बना लेंगे। और बनाने के बाद उसी तरह से आगे के डबल क्रोशिया से तीन और डिज़ाइन बना लेंगे। उसके बाद फिर उसी तरह से यहाँ से भी मैं दो डबल क्रोशिया बीच में छोड़ कर नीचे से आगे के तीसरे डबल क्रोशिया से ये डिज़ाइन बना लूँगी। और मैंने पीछे की तरफ चार बनाए हैं तीन डबल क्रोश डिज़ाइन और चौथा चेन, यहाँ पर हम चार डिज़ाइंस बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा देखने में लगे डिज़ाइन। और ऊपर की तरफ हम उसी तरह से एक सिंगल फंदे की सादा बुनने के बाद आगे के डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया ही बनाते चले जाएंगे। साइड से, इस साइड से हम चार और आगे के साइड से चार इस तरह से। और एक एक जो बीच का हमारा चेन में बढ़ता है पांचवा वो होता है। तो देखिए इस तरह से डिज़ाइन। और बीच में हमने जो एक छोड़ते थे ये, तो बीच का छोड़कर आगे के डबल क्रोशिया से डिज़ाइन बनाएंगे हम हर बार में। जैसे एक एक छोड़ते हैं उस तरह से, देखिए पहले की तरह ही जो हमने शुरू में बनाया था उसी तरह से बनता चला जाएगा हमारा डिज़ाइन। उसके बाद हम गिनकर चार डबल क्रोशिया बना लेंगे। और यहाँ पर जो हमारा बीच में जाली बनती है, वहाँ से देखिए इस तरह डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम सिंगल फंदे की तीन बार चेन बुनेंगे। और फिर इसी जगह पर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे एक और आगे के चार डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे गिनकर। गिनकर चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम उसी तरह से बीच का एक पहले की तरह छोड़ देंगे इस तरह से, जैसा हमने पहले बनाया। और हम आगे की डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बना लेंगे एक छोड़कर। और फिर आगे हम इसी तरह से तीन और बना लेंगे, यानी चार डबल क्रोशिया। और पांचवा हम उसी तरह से बीच के डिज़ाइन जहाँ से हम चेन बनाएंगे, देखिए यहाँ से और एक बार फिर इसी जगह से डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से बनाया हमने। और इसी तरह से हम
फिर बना देंगे ऊपर का डिज़ाइन जैसा हमने पहला बनाया है। तो देखिए इसी तरह से जैसे मैंने शुरू में तीन डिज़ाइन बनाए थे, बीच में यहाँ पर भी मैंने तीन बना लिए, फिर उसके बाद आगे ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने लास्ट में पांच बार सिंगल फंदे की चेन बुन ली पहले की तरह, और फिर पांच बार क्रोशिए को लपेटा धागे से, और इसी तरह से जैसा पहले डिज़ाइन बनाया था दो दो फंदे बुनकर उसी तरह बना लूंगी मैं। सेम उसी तरह बनाती चली जाऊंगी मैं। देखिए और तीन बनाने के बाद जैसा मैं पहले नीचे के डिज़ाइन में मैंने छोड़ा था बीच में, ये नीचे मैंने जैसे दो छोड़े थे उसी तरह से मैं यहाँ पर भी दो छोड़कर तीसरे डिज़ाइन जो डबल क्रोशिया का है वहाँ से बनाऊंगी ये डिज़ाइन। किनारे से तीन डबल क्रोशिया से तीन डिज़ाइंस और बीच की जो चेन है वहाँ से गिनकर मैं पहले की तरह ही चार बार ये पांच बार धागा लपेट कर डिज़ाइन बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है ये हमारा डिज़ाइन, और ऊपर का मैं इसी तरह से बनाती चली जाऊंगी जैसा मैंने बीच में और शुरू में बनाया है। तो अगर आपको ये क्रोशिए का प्यारा सा डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं और भी प्यारे प्यारे क्रोशिए के डिज़ाइंस लाती रहूं आप लोगों के लिए। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, जिससे मैं और भी प्यारे प्यारे डिज़ाइंस लाती रहूं आप लोग के लिए क्रोशिए के। और हम जितना भी बड़ा डिज़ाइन बनाएंगे उतना बड़ा ये चेन बनाकर
डिज़ाइंस बनाते चले जाएंगे, कार्डिगन के लिए, स्वेटर के लिए, आप अपनी पसंद की कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो इससे। मैंने आपको छोटा सा सैंपल बनाकर दिखाया था और आप इससे डिज़ाइन सीखकर कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये हमारा क्रोशिए का प्यारा सा डिज़ाइन। देखिए एकदम बराबर और कितना सुंदर लग रहा है ये। तो प्लीज़ ज़रूर इस तरह का डिज़ाइन बनाकर देखिए आप क्रोशिए का। और मेरे चैनल को एक बार फिर कहूँगी मैं कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।